हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश रखना कोई गुनाह खुद से ना हो। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। टीचर कह लें या फिर गुरु, गुरु अक्सर जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, मगर उन्नाव की कहानी में ठीक उल्टा है। वो ऐसे कि एक मासूम स्कूली सिलेबस का कहरा सीखने कोचिंग गई थी, मगर कोचिंग से वापस लौटी तो टीचर ने उसे ऐसा दर्द दे दिया जो उसके बदन से रिश्ते हुए खून से साफ हो गया। साफ हो गया कि टीचर ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। साफ हो गया कि जिस कोचिंग क्लास में वो पढ़ने गई थी वहाँ उसके साथ रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि टीचर है। जी हाँ, टीचर। आपकी स्क्रीन पर जो बच्ची दिख रही है, क्या उम्र होगी इसकी, अंदाजा लगाइए। हम आप अंदाजा लगा सकते हैं, मगर जिस टीचर ने पांचवी क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची के साथ ज्यादती की, उसे कोई मतलब नहीं इसकी उम्र से, इसकी मासूमियत से। उसे तो बस अपनी हवस बुझानी थी, सो कर लिया अपना मुंह काला। 27/6/2018 को थाना पुरवा में एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 277/18 धारा 376 व 3/4 पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। ये बच्ची कोचिंग पढ़ने गई थी, मगर छात्रा को क्लास छूटने के बाद टीचर ने कुछ देर के लिए रोक लिया और तमाम छात्रों के जाने के बाद अपनी दरिंदगी से इसे दर्द दे दिया। यही नहीं, साथ ही टीचर ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। डरी सहमी बच्ची ने 5 घंटों तक घर में मुंह नहीं खोला, लेकिन जब प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी तो परिवार को आप बीती सुनाई। वाकया सुनकर उनके होश उड़ गए। रेप हुआ है बच्ची के साथ। आरोपी कौन है? विनोद सर। घर पे कोचिंग पढ़ाते थे जी। बिटिया वाली कोचिंग जाती है? कहाँ पे पढ़ने जाती है? पासा खेड़ा में, अभी गांव में ही जाती है, विनोद शर्मा के यहाँ। हाँ, तो 3 बजे से कोचिंग जाती है, 3 से 6 की टाइम है इसका। हाँ, तो उसी कोचिंग के समय में ऐसा दुष्कर्म हुआ है इसके साथ। परिवार वाले बच्ची को लेकर पुरवा कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को CHC भेज दिया, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा, पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा, थाना वो ग्राम पासाखेड़ा थाना पुरवा को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बेटी का जो है उपचार। वारदात कोतवाली इलाके के पास खेड़ा गांव की है। यहां रहने वाली 9 साल की बच्ची गांव की है, एक कोचिंग में पढ़ने जाती है। आरोप है कि कोचिंग संचालक विनोद शर्मा ने क्लास छूटने के बाद गणित के कुछ सवाल हल करने की बात कहकर बच्ची को रोक लिया और दूसरे बच्चों के जाने के बाद
उसे अंदर कमरे में ले गया और फिर बच्चे के साथ ज्यादती की। आरोप है कि शिक्षक ने बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे सहमी बच्ची घर पहुंचने के बाद काफी देर तक कुछ बता नहीं सकी। लेकिन आखिरकार राज खुला और दरिंदा टीचर सलाखों के पीछे पहुंच गया। उन्नाव से उपेंद्र तिवारी के साथ टीम क्राइम रिपोर्ट। बीएसएफ के 10 जवानों के अचानक गायब होने का बेहद सनसनीखेज वाकया सामने आया है। पश्चिम बंगाल से जम्मू जा रहे 83 जवानों में से एक साथ 10 जवान आखिर कहां गायब हो गए, ये सवाल सेना के साथ ही जीआरपी के लिए भी फिलहाल अबूझ पहेली बना हुआ है। मुगलसराय में ट्रेन से सफर कर रहे 10 बीएसएफ जवानों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ये सभी जवान जम्मू कश्मीर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लापता हो गए। इस मामले में जवानों के कमांडर की ओर से रेलवे पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया गया है। 83 बीएन बीएसएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, जिसमें से 10 जवान बिहार के और झारखंड के वर्धमान और धनबाद में बिना अवकाश के कहीं मिसिंग चले गए, जिनके अधिकारी द्वारा हमारे थाने पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है जो पंजीकृत की गई है। जानकारी के मुताबिक ये जवान वर्धमान और धनबाद के बीच लापता हुए हैं। ये स्पेशल ट्रेन जम्मू के सांबा सेक्टर से रवाना हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में 83 जवान सवार हुए थे। लेकिन जब ये ट्रेन मुगलसराय रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसमें से 10 जवान लापता हो गए। इस मामले में जानकारी होते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जीआरपी के उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि बीएसएफ की टुकड़ी के गायब जवानों की प्राथमिकी प्लाटून कमांडरों ने संयुक्त रूप से दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 83 बीएन बीएसएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, जिसमें से 10 जवान बिहार के और झारखंड के वर्धमान और धनबाद में बिना अवकाश के कहीं मिसिंग चले गए, जिनके अधिकारी द्वारा हमारे थाने पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है जो पंजीकृत की गई है। तहरीर में बीएसएफ जवान प्रदीप सिंह के वर्धमान और शिव सिंह, कैलाश कुमार, दीपक सिंह, अमित कुमार, चवन सिंह, अश्विनी कुमार, रोहित शर्मा और गोविंद कुमार के धनबाद स्टेशन से गायब होने की आशंका जताई गई है। चंदौली से विनय तिवारी के साथ टीम क्राइम रिपोर्ट।
दिल्ली के हाई प्रोफाइल शैलजा मर्डर केस में गिरफ्तार मेजर निखिल हांडा सेना के स्पेशल ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा रहा है। पुलिस की माने तो 3 दिनों की पूछताछ में हांडा ने पुलिस को कतई कोऑपरेट नहीं किया है। यही वजह है कि पुलिस हत्याकांड में इस्तेमाल दूसरा स्विस नाइफ, वारदात के वक्त पहने निखिल के कपड़े, जूते, शैलजा का पर्स, छाता और कार से खून साफ करने वाला तौलिया बरामद नहीं कर पाई है। अब पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी निखिल हांडा को लेकर मेरठ पहुंची है। शैलजा हत्याकांड में रिमांड पर चल रहे आरोपी मेजर निखिल हांडा को दिल्ली पुलिस गुरुवार को मेरठ के पश्चिमी यूपी सब एरिया के बराबर में मेस में लेकर पहुंची। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए उस कमरे को भी खंगाला जिसमें आरोपी मेजर रुका था। पुलिस ने मेस के चप्पे चप्पे को खंगाला। आरोप है कि मेजर ने यहीं कहीं सबूत मिटाने के लिए तौलिया और शर्ट को जलाया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आरोपी मेजर को लेकर सिवाय टोल प्लाजा और दौराला भी लेकर पहुंची। दिल्ली पुलिस शैलजा हत्याकांड में कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती। और यही वजह है कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारीकी से छानबीन की। मेरठ से लोकेश टंडन के साथ टी क्राइम रिपोर्ट। एक मेजर ने दूसरे मेजर की पत्नी का दिल्ली की सड़क पर सरेआम कत्ल कर दिया। यह खबर तो आप सबको पता है, पर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से मेजर निखिल ने शैलजा का कत्ल किया? क्या यह कत्ल अचानक गुस्से के आलम में हो गया या फिर मेजर कत्ल करने के इरादे से ही घर से निकला था? तो आइए इन सारे सवालों के साथ साथ आपको इस सवाल का भी जवाब देते हैं कि आखिर मेजर निखिल ने शैलजा का कत्ल किया क्यों? मेजर निखिल ने शैलजा का कत्ल क्यों किया? क्या शैलजा निखिल से पीछा छुड़ाना चाहती थी इसलिए? या निखिल शैलजा से पीछा छुड़ाना चाहता था इसलिए? 23 जून के दोपहर को निखिल और शैलजा में झगड़ा क्यों हुआ? क्या निखिल ने कत्ल की प्लानिंग पहले से कर रखी थी? शैलजा से मिलने निखिल 2 चाकू लेकर क्यों आया था? क्या 23 जून को दोनों की मुलाकात पहले से तय थी? आखिर निखिल और शैलजा के रिश्ते का सच क्या है? कहते हैं किसी भी कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है।
एक बार मकसद जाहिर हो जाए तो फिर केस आसानी से सुलझ जाता है। इस केस में खातिल और मकतूल दोनों सामने हैं, पर दिक्कत यह है कि शैलजा के कत्ल को लेकर मकसद एक नहीं बल्कि दो दो बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि केस आईने की तरह साफ होते हुए भी पुलिस शैलजा के कत्ल के मकसद को लेकर दावे से अभी कुछ नहीं कह पा रही है। शैलजा के कत्ल के मकसद को समझने के लिए केस से जुड़ी कुछ चीजें समझना बेहद जरूरी है। पुलिस से पूछताछ के दौरान मेजर निखिल ने बार बार यही कहा है कि शैलजा से उसकी दोस्ती 3 साल पहले 2015 में फेसबुक के जरिए हुई थी। तब शैलजा ने बताया था कि उसका पति बैंक में काम करता है। इसके बाद दीमापुर में पोस्टिंग के दौरान वही शैलजा से उसकी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती। निखिल की कोई दोस्ती नहीं थी, ये पड़ोसी थे वहाँ पे, लेकिन इनका आना जाना था क्योंकि अमित जो है वहाँ फैमिली के साथ रहता था और निखिल अकेला रहता था दीमापुर में। निखिल की और इसकी वाइफ की दोस्ती थी। जबकि शैलजा के पति मेजर अमित का कहना है कि वो मेजर निखिल को सिर्फ 6 महीनों से जानते हैं, यानी शैलजा ने 2.5 साल तक अमित से निखिल का सच छिपाए रखा। शैलजा ने निखिल से दोस्ती के बाद अमित को नहीं बताया, मगर क्यों? मेजर अमित ने इनको एक बार वीडियो कॉलिंग पे पकड़ा था, तब से उनको डाउट था और इस बात को लेकर के इसने निखिल राय हांडा से भी बात की थी और अपनी वाइफ से भी एक बार बात की थी। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अमित निखिल राय हांडा इनके घर के आसपास भी या इनके फैमिली के आसपास भी दिखे, लेकिन निखिल राय हांडा हर तरीके से कोशिश करते थे कि वो आसपास रहें। मेजर अमित और शैलजा के घर वाले लगातार कह रहे हैं कि निखिल शैलजा का पीछा किया करता था और उसे तंग करता था। इसके अलावा दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, जबकि पुलिस की पूछताछ में मेजर निखिल लगातार यही कह रहा है कि शैलजा के पीछे वो नहीं बल्कि शैलजा उसके पीछे पड़ी थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये निखिल का ड्रामा भी हो सकता है क्योंकि शैलजा अब इस दुनिया में रही नहीं, लिहाजा निखिल के दावे की तस्दीक हो नहीं सकती। साथ ही शैलजा पर सारा इल्जाम डालकर यह निखिल के खुद को बचाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो इतना साफ है कि मेजर निखिल और शैलजा फोन और व्हाट्सएप पर एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे। बकौल पुलिस, सिर्फ पिछले 7 महीनों में शैलजा और निखिल ने एक दूसरे को करीब 3300 कॉल और 1500 मैसेजेस किए थे। कंटिन्यूस बातें हैं इनकी, एक हद से ज्यादा बातें आपस में ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है निखिल जो है हमेशा जो है पाया गया कि वो ज्यादा कॉल कर रहा है लड़की। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि निखिल ने शैलजा की जान ले ली? पुलिस सूत्रों की माने तो कहानी में ट्विस्ट पिछले साल दिसंबर में आया,
जब मेजर अमित का तबादला दिल्ली हो गया और वो शैलजा के साथ दीमापुर से दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद शैलजा अमृतसर चली गई थी। शैलजा का परिवार अमृतसर में ही रहता है। इस बीच 4 जून को बीमारी का बहाना बनाकर मेजर निखिल भी दीमापुर से दिल्ली आ गए। निखिल एकदम ऑब्सेसिव था शैलजा के लेकर के, और ये उस पे कंटिन्यूस जो है प्रयास कर रहा था। इसलिए चूंकि अमित यहाँ पे एडमिट कराया था अपनी वाइफ को, उनके पाँव में कुछ फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, तो इसने उससे मिलने के लिए दीमापुर से ही आया 2 तारीख को और अपना एडमिशन करवाया सेम हॉस्पिटल में अपने आप माइग्रेन के रीजन से, और साथ ही अपने बच्चे का भी कराया ताकि वो यहाँ रहे, उसके पास रहे और उसे मिलने की पूरी कोशिश करे। निखिल के बीवी बच्चे दिल्ली के साकेत नगर इलाके में रहते हैं। दिल्ली आने के बाद जून में 2 बार निखिल अमृतसर शैलजा से मिलने गया। पूछताछ में निखिल ने पुलिस को बताया कि दूसरी बार अमृतसर के एक मॉल में मुलाकात के दौरान शैलजा से शादी को लेकर उसका फिर से झगड़ा हुआ था और तभी पहली बार शैलजा के कत्ल के बाद उसके जहन में आई थी। जून की सुबह भी निखिल और शैलजा के बीच व्हाट्सएप पर बात हुई और दोनों ने आर्मी के बेस हॉस्पिटल में मिलने का फैसला किया। हॉस्पिटल से दोनों साथ में निखिल के कार में निकले और फिर करीब 45 मिनट तक दोनों कार में रहे। इस दौरान दोनों में लगातार झगड़ा होता रहा। पुलिस सूत्रों की माने तो निखिल पहले से ठान कर आया था कि अगर शैलजा अपनी बात पर अड़ी रही तो वो उसे मार देगा, और उसने ठीक यही किया भी। निखिल ने साथ लाए चाकू से शैलजा के गले पर पहले वार किया और फिर शैलजा को कार से बाहर फेंक कर अपनी कार से उसे रौंदते हुए वहां से निकल भागा। इस तरह से ये मोहब्बत की कहानी कत्ल पर जाकर खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ टीम क्राइम रिपोर्ट। तो क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, मगर लाइव टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।